यहाँ पे आते हैं जानवर पानी पीने। पूरा जंगल इन फूलों से भरा हुआ है। ठीक है, मेरे भाभी आई है। अच्छा जी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ BCA, साथ में मम्मी भी है। और आज नवरात्रे के लिए भी जा रहे हैं मंदिर, एंड थोड़ा बैंक में भी काम है और मेरी रिपोर्ट्स भी आज आनी है और बहुत सारा काम है। तो अभी हम जा रहे हैं नाले वाले रास्ते से, यहाँ से हम चले हैं नाले वाले पीछे से। मम्मी भी आ गई और रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। ओह गॉड, बहुत ही ख़राब है यहाँ पे रास्ता, बड़ा ख़राब है यहाँ से। एंड यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाते हैं, एंड बहुत जंगल वाला रास्ता है ये। चलो यहाँ से सीधे हम यहाँ से BCA पहुँच जाएंगे, एंड थोड़ा सुनसान सा है बट अच्छा है। रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें दिख नहीं रहा है इतना अच्छा, बट बहुत ख़राब है। ये नाला है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी का चश्मा भी है। ये देखिए पानी का चश्मा, बिल्कुल नेचुरल वाटर, बिल्कुल अच्छा पानी होता है यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध, ठंडा ठंडा बिल्कुल। पानी भी लिया है, चलते हैं अब। पीछे देखिए जंगल ही जंगल है, बहुत सुनसान रास्ता है ये। खाना खाना खा लिया? रास्ता बहुत ख़राब है, बरसात के टाइम में तो यहाँ पे बहुत ख़राब हो जाता है ये रास्ता। ये देखिए यहाँ पे आते हैं जानवर पानी पीने, तो इंद्र वगैरह ऊपर से पानी आता है। वो बहुत शूज गिले हैं, क्या रास्ता है यार। ओ गॉड, सुनसान रास्ता। और यहाँ से ना खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, सांस फूल जाता है चलते चलते। मेरी तो ना हालत ख़राब हो जाती है चलने से। और यहाँ देखिए जंगली फूल खिले हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है फ्रेंड्स। ये पूरी वैली फ्लावर्स से ढकी हुई है। इधर भी थे, इधर काट लिए, घास काट लिया क्योंकि लोगों ने, दूर है काफ़ी। अच्छे अच्छे फूल खिले ना, ये पूरा जंगल इन फूलों से भरा हुआ था। ये देखिए यहाँ से अभी बहुत चढ़ना है यार, बहुत चढ़ाई है, ऊपर पहुँचना है हमें टॉप पे। हालत ख़राब होगी चलते चलते, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई। वो उतने पीछे से आया हम, बहुत दूर से आया है। अभी भी आई थिंक 20 मिनट्स का रास्ता रहा है, वो भी खड़ी चढ़ाई रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम काफ़ी दूर से चल के आए हैं। ये जो वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ से हम आए हैं चल के। हमें हो गया है 30 मिनट्स, हमें चलते हुए हो गए हैं, एंड अभी 20 मिनट्स का रास्ता भी और रहता है। खड़ी चढ़ाई है, बहुत चलना है फ्रेंड्स, चलते चलते ना हालत ख़राब हो गई है। पहचानता नहीं तुम्हें को, हैं साले, नीचे रहता था। इतनी तेज़ धूप है ना, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़। यहाँ पहुँच गया है, अब यहाँ से भी काफ़ी जाना है ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अब तो मुझसे धूप टॉलरेट नहीं हो रही थी, तो मैंने छाता खोल दिया था, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों में ना बहुत तेज़ धूप लगती है, एंड मुझे हो जाता है सनबर्न। ये देखिए बिल्कुल रेड हो गए थे गाल, बहुत ही तेज़ धूप थी, तीखी धूप थी। एंड अभी मैं पहुंची हूँ क्लिनिक। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे थोड़ी अपनी रिपोर्ट्स लेनी थी, मैंने थोड़े टेस्ट करवाए थे अपने, एंड अभी उसका ही वेट कर रही हूँ। डॉक्टर सर थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनका वेट कर रही थी मैं। और यहाँ से भी हम फ्री हो गए, अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ।
आगे तारा माता का मंदिर है BCS में, वहीं हम जा रहे हैं दर्शन करने माता के। एंड यहाँ से अभी थोड़ा हम माता के लिए थोड़ा सा प्रसाद वगैरह ले रहे थे एंड चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर के लिए हमने प्रसाद ले लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, हम मंदिर पहुंच गए हैं। ये BCS में तारा माता का मंदिर है। वैसे जो तारा माता का मेन मंदिर है वो शोघी में है, जो वहाँ नहीं जा सकते हैं वो यहीं पे ही दर्शन करने के लिए आते हैं। तो माता के दर्शन करके हम फ्री हो गए हैं एंड अभी हम यहाँ पे लाइन में लगे हैं क्योंकि अभी हमें मिलने वाला है थोड़ी देर में भंडारा। और आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, अभी तो थोड़े ही आए हैं, अभी देखना थोड़ी देर में कितने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम अंदर एंटर हो गए हैं भंडारा खाने के लिए। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं भंडारे के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है ये। बहुत ही यहाँ पर ना श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जितनी भीड़ तारा माता मेन जो मंदिर है वहाँ पर होती है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। और इतना टेस्टी यहाँ पे भंडारा बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा यमी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मिली मीठी दाल, उसके बाद हमें मिली राजमा और आलू की सब्ज़ी एंड उसके बाद हमें मिली कढ़ी। तो मैं तो इतने में फुल हो गई थी, जबकि और भी मिल रहा था खाने के लिए। बहुत टेस्टी बना था भंडारा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम मंदिर से दर्शन करके फ्री हो गए हैं और अभी यहाँ पे हम BCS में बस का वेट करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, बस भी आ गई थी बट काफ़ी रश था आज बस में, क्योंकि भंडारे में ना काफ़ी लोग आए हुए थे, तो हमें खड़े खड़े ही बस का आज सफ़र करना पड़ा। तो अभी हम विकास नगर पहुँच गए हैं, ये है विकास नगर की लिफ्ट। अभी यहाँ से ना थोड़ा हमने सामान लेना है एंड चलते हैं उसके बाद घर की तरफ। उमा शंकर रूम पे गए रूम पे जाना क्या उमा शंकर के रूम मारे तो आप ठीक है मेरे भाभी आई है। अच्छा जी, उसका हाथ गोर पर चला कट गया। ओहो, ये आपका कट गया? नहीं, उमा शंकर का भी कटा है। कैसे? उमा शंकर का नहीं कटा है, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं। आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।